हे गाइस, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि निफ्टी में कैसा लगभग मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। देखो, निफ्टी में कोई बहुत बड़ी तेजी नहीं देखने को मिलने वाली। यूएस में ऑलरेडी वहां पर गिरावट हुआ है, थोड़ा बहुत नमी है, समझ लो। नैसडेक में भी आपको थोड़ा बहुत नमी देखने को मिल जाएगा। एसजीएक्स निफ्टी भी लगभग मैं आपको बोलूंगा केवल 6 पॉइंट ही ऊपर चला, केवल 6 पॉइंट ही ऊपर चला। तो मैं बोलूंगा देखो, निफ्टी नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल बिहेव करेगा, मतलब ऊपर भी नहीं और नीचे भी नहीं, सही है। थोड़ा सा अब जैसे कि यस्टरडे का बाजार देख लो, यस्टरडे में क्या हुआ था, कुछ भी नहीं था, 9 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे हो रहा था, है कि नहीं है। जैसे आज के डेट में एक्सजेक्स निफ्टी 6 पॉइंट के आसपास, तो बस इतना ही रहेगा। देखो, बाजार आजकल थोड़ा बहुत ज़्यादा वोलेटाइल चल रहा है। कल के डेट में अगर आप देखोगे तो लगभग सेलिब्रेशन है न्यू ईयर का, तो वहाँ पर बहुत सारे जगह जो है रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो इसके वजह से, किसके वजह से, तो कोविड की वजह से इनके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मुंबई में, बेंगलोर में या दिल्ली में देखोगे तो केसेस बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कंट्रोल में है, फिर भी कंट्रोल में, क्योंकि ये ज़्यादातर मतलब हार्म करने वाला नहीं लग रहा है इस वजह से। लेकिन फिर भी परेशानी तो परेशानी होती है कि नहीं है। तो इस वजह से मार्केट में थोड़ी बहुत आपको नमी देखने को मिल रही है। और एक अच्छी खबर देखो, पहले भी मैंने ही आपको बताया था, सबसे पहले नजारा टेक्नोलॉजी, अभी भी मैं ही आपको बता रहा हूँ, गिरावट में ही मैंने आपको बताया। देखो, आज नजारा टेक्नोलॉजी के लिए अच्छी खबर है इस वजह से क्योंकि आज ये T2T ग्रुप से बाहर आने वाला है। नजारा टेक्नोलॉजी आज ये इस ग्रुप से बाहर आने वाला है। जैसे कि अगर आप देखोगे हैप्पीएस्ट माइंड वगैरह, जो अच्छी अच्छी कंपनी है जो बहुत ज़्यादा दौड़ती है, तो उसको क्या कर लिया जाता है, लगभग ASM JSM ग्रुप में डाल दिया जाता है, समझ लो। किसके वजह से, तो देखा जाता है कि कंपनी में सब कुछ ठीक ठाक तो है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं हवे में तो नहीं दौड़ रहा ना। देखो, अगर कोई कंपनी, अगर मान लीजिए कोई चीज़ हवे में है तो कोई ठीक नहीं है, वो नीचे भी तो गिर सकता है ना। तो इस वजह से क्या करती है, सेबी ये सारी चीज़ों को पहले देख लेती है सही से। तो ये कंपनी आज बाहर आ रही है, इस कंपनी के ऊपर जितने भी प्रॉब्लम थे कुछ वो सब कुछ मतलब ठीक हो गया, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो इस वजह से ये स्टॉक्स आपको भागते हुए नजर आ जाएंगे, समझ लो। नजारा टेक्नोलॉजी मैंने आपको बताया था, आईटी सेक्टर की कंपनी जो लगभग गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए काम करती है। इसके ऊपर हमने बहुत सारे वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, है कि नहीं। तो ये तो मैं आपको एक छोटा सा अपडेट दे रहा हूं, आप मॉर्निंग में देख सकते हो, देख सकते हैं 8:30 होने वाला है, तो लगभग वीडियो अपलोड करते करते भी टाइम हो जाएगा। तो इवनिंग में मैं आपको फुल डिटेल में वीडियो बनाता हूं। तो जिन्होंने भी नजारा टेक्नोलॉजी को रखा है पेशेंस के साथ, मैंने तो रखा है, सही है, मैंने तो रखा है, और जितने भी मेरे साथ लोग हैं उन्होंने भी रखा है। तो आप भी होल्ड करके रखिए, आपको भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। अब ग्रुप से बाहर आ रहा है कंपनी, आज नहीं तो कल यहाँ पर बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलने वाली है आपको, चाहे जो भी हो। लेकिन स्टॉक्स में गिरावट नहीं हुआ था, स्टॉक्स देखोगे तो लगभग 27% के आसपास ऊपर से नीचे है। तो ये स्टॉक जो भागा था ना 20-20% के स्पीड से, वही इसने जो है लगभग एक दिन का स्पीड को थोड़ा सा नीचे ले लिया, 20% के स्पीड से ये जो भागना स्टार्ट कर दिया था, और कुछ ही दिनों में अच्छा खासा रिटर्न भी दिया था। कितना खासा दे दिया था, लगभग पैसा डबल के आसपास कर ही दिया था, आराम से कर ही दिया था। तो मैं आपको बोलूँगा ठीक है, पेशेंस रखो, कुछ नहीं होगा। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट इंजन में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप NSE BSE म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो। जो चार्जेस वगैरह रहते हैं बहुत छोटे होते हैं भाई, डीमैट अकाउंट तो बिल्कुल फ्री में, डिलीवरी चार्जेस फ्री में, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।